का उपचार है। क्या है इसके अंदर? देखो, ये धनिया, ये जीरा, ये अजवाइन, ये मेथी, ये सौंफ है। एक एक चम्मच ऐसे रात को डाल करके रख दिया, और रात को डाल करके रखेंगे तो ये इसका पानी के अंदर जो असर आ जाएगा। इसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन तक। एक बार डाला, फिर अगले दिन पानी बदल दिया, दवाई, ये जीरा धनिया ये मत बदलना, उबालना नहीं है। उबालने से इनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनके फाइटोकेमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, तो पानी के अंदर अपने आप झर करके आ जाएंगे। फिर इसको छान लेना, छान करके और जो है फिर इसको पीना है। तो ये जो है, अब इसका जो पानी है, ऐसे ये पानी पीना है ऐसे। ये क्या सुबह खाली पेट लेना है स्वामी जी? सौंफ भी है इसमें, अजवाइन भी है। हाँ, ये सुबह सुबह खाली पेट। एक चम्मच धनिया, भस्त्रिका करो आप लोग, बैठे बैठे तुम सोच रहे हो बाबा जी क्या पीने लग गए और हमको प्राणायाम में लगा दिया। हाँ, इसको तो खुशबू भी बढ़िया है, तो भस्त्रिका करो 5 मिनट। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं। ईच एंड एवरी सेल को चाहिए ऑक्सीजन। जी स्वामी जी, ये कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर लीवर फेल भी हो सकता है, ऐसे में प्राणायाम किस तरह का रोल प्ले करता है लीवर को सेहतमंद रखने में? तो मैंने कहा, लीवर से लेके ब्रेन से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातु हमारी, माने बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक एक सेल में 7 बिलियन बेस पेयर्स का पूरा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब उसको यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो 24 घंटे में भी लीवर फेल हो सकता है। अरे 24 घंटे की तो बात छोड़ो, जब बहुत दिक्कत आती है तो जो लास्ट का क्षण होता है तो 1 घंटे में पूरी चीजें चेंज होती हैं। लोगों को हार्ट अटैक होने में कितनी देर होती है? चलो वहाँ तो कोई ब्लॉकेज और कोई दूसरी चीजें होती हैं, या लीवर के फंक्शन जब गड़बड़ होने शुरू होते हैं तो एकदम से पूरी बायोकेमिस्ट्री, सारे केमिकल्स, सोर्स, हार्मोन सब चेंज होने लगते हैं, और आदमी ऐसे आंखों के सामने देखते देखते ढह जाता है। तो भस्त्रिका, उसके बाद ये कपालभाति, ये करना जरूरी है। और ये छोटी छोटी चीजें, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ, ऐसे भिगो दिया और भिगो करके रख दिया। उसके बाद ऐसे ये करीब आधा ग्लास पानी में भिगो देना, एक एक चम्मच, या एक ग्लास पानी में भिगो देना। सुबह उठ के पानी तो पीना ही है ब्रह्म मुहूर्त में, उषध पान इसको कहते हैं। ये बहुत बीमारियों को दूर करता है। दिन में 3 लीटर पानी, गर्मियों में 4 लीटर तक, 3 से 4 लीटर जो पानी नहीं पिएंगे तो लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी में सिस्ट होगी, हाइपरटेंशन होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम होगी। तो सुबह सुबह ये पी लेना। तो मैंने पानी कम पिया था सुबह सुबह, क्योंकि मैं सुबह पहले आस्था पर योग कराता हूँ, मैं फिर इंडिया टीवी पर आता हूँ, वर्षों से यही कर रहा हूँ। तो ऐसे ये धीरे धीरे पीना, कुछ लोग घटाघट पी जाते हैं, पानी भी धीरे धीरे पीना चाहिए। नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है, जैसे बांग्ला में बोलते हैं ना, पानी खाबो, दूध खाबो। तो ये खाबो करना है, पीबो नहीं करना है। अब देखो, मैंने पिया ना, सच्ची बता रहा हूँ, पेट में ऐसे एकदम ठंडक सी हो गई है, आहा हा, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये करना, ये तो भिगोने वाला प्रयोग बताया। मुनक्का अंजीर, मुनक्का अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो करके और सुबह खाना। रात को भिगो दो और सुबह खाओ, इसका पानी पी जाओ, ऐसे ही नहीं, इसको सुबह पानी फेंकना नहीं है, वो पानी भी पी जाओ और ये खा जाओ। इससे पेट का इन्वायरमेंट, एक शब्द बोला जाता है ना इन्वायरमेंट, तो पेट का इन्वायरमेंट गड़बड़ हो रखा है। पेट में जो हेल्थी बैक्टीरिया है वो इन चीज़ों से अपने आप बनने लगते हैं, और जो खराब बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, जिनको ऐसे रात को सोते समय मुंह से पानी टपकता है, जिनको सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से हो जाते हैं, जिनके शरीर में खाया पिया नहीं लगता, उनके पेट में कीड़े। और किसी किसी को तो, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों को पेट में कीड़े होते हैं, 70-80% लोगों को, किसी किसी को तो एक एक दो दो किलो। यहाँ एक डॉक्टर संजीव हैं रुड़की में, हमारे मित्र हैं, बोले स्वामी जी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, एक एक दो दो किलो पेट से कीड़े निकालने पड़ते हैं। मेरे से बोले, स्वामी जी आपने कभी कीड़े की दवाई खाई? मैंने कहा नहीं।
तो उन्होंने मेरे को, मैं एलोपैथी की दवा कतई नहीं खाता, तो बोले एक बार आप बाबा जी मेरे कहने से खा के देखो, आपके पेट से कीड़े जरूर निकलेंगे। मैंने वो पेट कीड़े की दवाई खाई, इंडियन टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट किया, दो बार किया, जो है शाम को भी देखा, दूसरे दिन भी देखा, एक कीड़ा नहीं निकला। जो योग करता है उसके पेट में भी कीड़े नहीं होते, उसके दिमाग में भी कीड़े नहीं होते, लेकिन उसके भीतर शौर्य होता, पराक्रम होता, उत्साह होता है, सारी दुनिया को जीतने का उसके भीतर संकल्प होता है। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया इससे अच्छे रहेंगे, ये मुनक्का, अंजीर, ये पानी पीना, फिर ये गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, सुबह एक सेव खा लो खाली पेट। ये अंग्रेज लोग ना बहुत हेल्दी रहते थे, टमाटर जैसे, सेव जैसे, उनका चेहरा भी लाल सुर्ख रहता था। सुबह सुबह अंग्रेज लोग एक ग्रीन एप्पल और होता है, थोड़ा खट्टा होता है वो, आदत पड़ जाती है, खा लेते हैं। फिर सुबह सुबह एक सेव खा लो, फैटी लीवर के लिए रामबाण है। और फिर एक सेव और ये अनार नाश्ते में, अनार और ये फिर गाजर और चुकंदर, गाजर और चुकंदर का जूस पी लो। तो फिर बोले बाबा जी नाश्ता क्या करना है, ये नाश्ता ही तो है यही नाश्ता है। तो लोग सोचते हैं ये तो बाबा जी ने बताई दवाई। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कई लोगों को ये लगता है कि शायद सुबह सुबह अगर खाली पेट फल खा लेंगे तो उन्हें गैस की समस्या हो सकती है, ऐसा है क्या? गैस या एसिडिटी होती है खाली पेट खाली फल खा लेने से? अरे गैस दूर हो जाएगी, गैस दूर हो जाएगी। जो है मैं सुबह सुबह यही लेता हूँ, पिछले 25 सालों से सुबह सुबह यही लेता हूँ, आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ, फिर ये अनार खाता हूँ, सेव खाता हूँ, ये कभी कभी ये गाजर और चुकंदर ले लेता हूँ, यही लेता हूँ 20-25 सालों से। और क्या क्या बीमारियाँ, ये तो क्या नाम तेरा, सरोजनी नेगी, जरा इसका भी पूछ लो हाल, क्या क्या बीमारी थी तेरे? मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, थायराइड हो गया था, लिकोरिया का प्रॉब्लम था, कोलाइटिस था मुझे, और घुटनों में मेरा ग्रीस खत्म हो गया था, विटामिन डी का डेफिशिएंसी मुझे हो गई थी, और बीमारी का हर हो गई, सर्वाइकल, बहुत 13 बीमारियां मैंने लिखी है बट उधर छूट गई लिस्ट। मुझे कॉलर लगा था, मतलब सर्वाइकल सीवियर वाला, वो भी 2000, वजन मेरा 70 kg था, अभी 50 kg है, 20 किलो वजन कम कर लिया। और थायराइड की गोली? थायराइड की बिल्कुल बंद है, बीपी की बिल्कुल बंद है, सारी मेडिसिन फ्री हूँ मैं, लिकोरिया बिल्कुल, ये महिलाओं को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कोलाइटिस? कोलाइटिस भी बिल्कुल, मतलब खत्म। अब इसको कुछ तो चेक करवा लिए, इसको फैटी लिवर भी था, इसको हेपेटाइटिस हो जाता, थोड़े दिनों में बच गई जान इसकी। उम्र कितनी है? मेरी 44 ईयर्स है। 44 ईयर्स सरोजनी की उम्र हो गई है, अब ये 35 जितने लगने लग गई है। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी वजह से अब सब चीजें जाओ। अब ये रोज कितनी देर योग करती है? मैं पूरा मतलब 4 आवर्स का मेरा वर्कआउट होता है, 2 घंटे प्राणायाम से। 2 घंटे प्राणायाम करती है? कितना? 2 घंटे? 2 घंटे मतलब रोज का मेरा होता है, बाकी और दूसरी एक्सरसाइज आदि कर लेती है? अलग एक्सरसाइज सारी मतलब अपने करते हैं। चलो बैठो।